मुंबई में लगातार बढ़ रही है किडनैपिंग, मासूम बच्चों की जा रही है तस्करी। आज मुंबई पुलिस को बच्चा चोरी के मामले में आज दूसरी सफलता हाथ लगी है। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ने किडनैपिंग का केस तुरंत रजिस्टर किया। ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद उन्होंने एक टीम गठित की और वो इस बच्ची को ढूंढने में, एक्यूज को ढूंढने में जुट गए। सांताक्रूज से 30 अक्टूबर को एक साल की बच्ची किडनैप हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के बाद मुंबई पुलिस ने जांच की टीम बनाई और आरोपी महिला को मुंबई पुलिस ने सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला नेहरू नगर स्लम इलाके की है। दरअसल सोलापुर रेलवे पुलिस ने एक साल की बच्ची को बेचने के लिए जा रही दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। महज 48 घंटे में मुंबई से अगवा की गई एक साल की बच्ची को सोलापुर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया। नेहरू नगर झोपड़पट्टी है तो वहाँ पे किसी इन्फॉर्मेंट के थ्रू ये पता चला कि जो लेडी दिख रही है वो वहाँ पे रहती है। हुसैन सागर एक्सप्रेस हैदराबाद से मुंबई की ओर आते हुए सोलापुर स्टेशन पर पहुंची और फिर इस पूरे मामले की जानकारी सोलापुर रेलवे पुलिस को मिली। हुसैन सागर एक्सप्रेस को सोलापुर आरपीएफ के जवानों ने चेक किया। जनरल कंपार्टमेंट में दो महिलाएं एक बालिका के साथ बैठी थी। टिकट चेक करने के बहाने दोनों महिलाओं को नीचे उतारा गया, लड़की को हिरासत में ले लिया गया। इस संबंध में मुंबई में बांद्रा रेलवे पुलिस में अपहरण का मामला दर्ज किया गया और अब मुंबई पुलिस द्वारा इस बच्ची को बचाकर दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने बच्चा चोरी के मामले में लगातार एक हफ्ते में दूसरी सफलता मिली है। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। मुस्कान नाम की एक साल की बच्ची को सोलापुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा है, उसके जब्त किया है। आपको बता दें लगातार जो है बच्चा चोरी के मामले बढ़ रहे थे, ऐसे में इसके पहले जो गैंग बच्चा चोरी के मामले में आजाद पुलिस स्टेशन में पकड़ा था वहां पर बच्चे को बेचने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में इस बार जो है सांताक्रूज रेलवे में जो बच्चे को पकड़ा है उसमें भी क्या इस तरीके का मामला है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं गंभीर रूप से जांच कर रही है। आपको बता दें मुंबई में लगातार बच्चा चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे थे, अफवाह भी बढ़ रही थी, लेकिन ऐसे में जो है दीपावली के बाद जो है मुंबई पुलिस ने दूसरी सफलता हासिल की है और अब इस पूरे मामले में जो है जांच भी करती नजर आ रही है। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।